नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना अंतर्गत परोरिया गांव के सलेमपुर हाट स्थित विजय ज्वेलर्स में हथियार बंद अपराधियों ने सोमवार 4 अक्टूबर 2021 को एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए करीब 3 किलो चांदी तथा सोने का बना जेवर लूट लिया और भागने लगे, जिसमें से एक अपराधी को दुकानदार ने स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ लिया, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी तथा दो अन्य अपराधी चांदी से बने जेवर लेकर बाइक पर सवार होकर घटनास्थल से भागने में सफल रहा। घटना की जानकारी मिलते ही उजियारपुर थाना के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक ब्रिज किशोर सिंह घटनास्थल पर पहुंच ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए अपराधी को अपने कब्जे में लेते हुए इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना में करीब 1,80,000 रुपए के जेवर की लूट हुई है। लूटे गए जेवरों में सोने का जेवर भी शामिल है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय ज्वेलर्स के मालिक विजय शाह अपने दुकान में बैठकर कुछ काम कर रहे थे कि अचानक एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 हथियार बंद अपराधी उनकी दुकान पर पहुंचा तथा जेवर की मांग करने लगा। जेवर देने से इनकार करने पर अपराधियों ने दुकानदार के कनपट्टी पर पिस्टल सटा दिया, जिसके बाद दुकानदार ने अपराधियों का विरोध करना बंद कर दिया। इसी का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने दुकान में रखा सारा जेवर उठा लिया और जाने लगे। अभी बाइक पर दो अपराधी ही बैठ पाए थे कि गाड़ी चला रहा बदमाश गाड़ी लेकर तेजी से निकल गया और अपने एक बदमाश साथी को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया, जिसके बाद दुकानदार ने उस अपराधी को पकड़ने का कोशिश किया। अपने आप को ग्रामीणों से घिरता देख पकड़ में आए बदमाश ने अपने हाथ में पकड़े गए पिस्टल से गोलियां चलाने लगा। फायरिंग से गुस्साए स्थानीय लोगों ने फायरिंग कर रहे बदमाश को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दिया। पकड़ में आए बदमाश ने अपना नाम अमित कुमार तथा अपने दोनों साथियों का बजरंगी कुमार बेगूसराय तथा दीपक कुमार समस्तीपुर बताया है। स्थानीय लोगों के द्वारा पूछताछ किए जाने पर गिरफ्तार अपराधी ने बताया कि उन लोगों ने आज ही समस्तीपुर में बैठकर इस लूटपाट की घटना को अंजाम देने की योजना बनाया था। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। अरे नाम ले ए बारामत सब कुछ है। अरे फिर से नाम बोलो जोर से बोलो अमित कुमार। बोलो भाई, बोलो मेरे मदर सुन, बोलो जल्दी जोर से भाई। क्या नाम है? अमित कुमार। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? और साथ में कौन कौन था? बजरंगी कुमार। मुड़ी पठाओ कौन था? रो बोलो। दोस्त मार करके बर्बाद कर देगा लोग, नहीं नाम बोलेगा तो बोलो ठीक से। दीपक कुमार। पिता का नाम बोलो। दो तो नाम नहीं जानते थे, दोनों दोस्त। दीपक कुमार और बजरंगी कुमार। घर कहाँ है दीपक कुमार का, बजरंगी कुमार का? बजरंगी कुमार का घर है बनवारीपुर। बनवारीपुर जिला कोड? बेगूसराय। अच्छा, और समस्तीपुर। समस्तीपुर उसका घर कहाँ है? कहाँ तुम लोग कहाँ से सेटिंग किया था? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। साढ़े 12 बजे करीब घटना हुआ। क्या हुआ? मालिक की बाल में एक लड़का बोला कि वहाँ पर सलमपुर में गोली चली, वहाँ से हम चल दिए तो वो मालिक एक पकड़ाया हुआ था और मालिक सामान में लूटपाट हुआ, गोली का खोका उका सब पकड़ाया हुआ, यहाँ पर मौजूद है, गिरा हुआ। प्रशासन कितने देर बाद आई है? करीब 1.5 घंटे के बाद आई। क्या नाम हुआ आपका? दुखान साहब। दुकानदार का क्या नाम है? कितने अपराधी पकड़े? दो अपराधी भाग निकले। क्या नाम हुआ आपका? दुखान साहब। ये हम लोग थे आपको ये बहरा छोर में ड्यूटी करते हुए, समझे ना, दे ड्यूटी था। ये लोग जो है एक मंगल चौक है,
बरहंडा तरफ, उसी में तो मोहम्मदपुर हाट है, वहीं पर तीन लोग बेगूसराय के हैं, मोहम्मदपुर हाट पर आकर के किसी को गोली मारा है। वहाँ जो है दो तो भाग गया अपना, एक तो ही धरा गए हैं, उनको ग्रामीण लोग जो है पूरा कूट दिए हैं। बाद में हम लोगों को जब पता चला, हमारी गाड़ी जब गई है वहाँ पर, तो पूरा मुंह जो हम ही लोगों के ऊपर उलट गया। लेकिन किसी तरह वहाँ भी अच्छे आदमी लोग थे, हम लोग इसको लेकर के भाग गए। कितने की संख्या में थे अपराधी? हाँ, कितने की संख्या में अपराधी? तीन। इसमें एक पकड़ा गया, दो फरार है। हाँ, दो फरार है। तो व्यवसायी को लूटा था, लूट के भाग रहा था। हाँ, व्यवसायी कहाँ जा रहा था? मंगल अथी मोहम्मदपुर हाट है ना, वहीं तरह। कितने की लूट हुई है? लूट का तो अभी हम तो इसको लेकर के चल दिए हैं, तो बराबर वो वहाँ है। कितने का लूट हुआ वो तो हमको जानकारी नहीं है, जानकारी होता तो हम बता देते आपको।